मेरा ईश्वर। आज से हजारों साल पुरानी बात है, महात्मा बुद्ध, जिन्हें तथागत भी कहा जाता था, श्रावस्ती के निकट जैतवन में विहार कर रहे थे। एक व्यक्ति अपने किसी काम से बाहर गया था और अब घर लौट रहा था। घना जंगल और बारिश का मौसम, सावन भादों का महीना, बिजली भी कड़क रही थी और पानी भी बरस रहा था। सुनसान और भयानक जंगल उसे शाम ढलने से पहले घर पहुंचना था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक आदमखोर शेर भूखा और उसे फाड़ कर खा जाने को आतुर। उस आदमी के तो होश उड़ गए, वह जान हथेली पर लेकर भागा। शेर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे लपका। वह आदमी भागते भागते एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां नदी थी। नदी भी शांत नहीं थी बल्कि दहाड़े मारती और पछाड़े खाती हुई। वह एक जंगली नदी थी जो सब कुछ लील जाना चाहती थी, बहाव इतना तेज कि हाथी भी बह जाए। वह व्यक्ति एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। पीछे हटे तो शेर और आगे बढ़े तो नदी, आगे कुआं तो पीछे खाई। सोचने में वक्त गवाने का अर्थ था जान से हाथ धोना। उसने आओ देखा न ताओ नदी में कूद पड़ा। जब मरना ही है तो नदी ही सही। वह नदी के पानी में डूबता उतराता रहा। जब उसे चेतना आई तो स्वयं को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। वह बस जीवित था। उसे कुछ याद नहीं कि कब और कैसे एक बांस उसके हाथ लग गया जिसने उसकी प्राण रक्षा की। वह बांस अभी भी उसकी मुट्ठियों में कसा था। वह उठ बैठा और बोला, यह बांस नहीं, उसका भगवान है। उसे लगा कि इसी बांस ने उसकी जान बचाई है। यह न होता तो वह कब का डूब चुका होता और उसकी लाश तक न पता चलता। यह सोचकर बांस के प्रति कृतज्ञता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस भारी भरकम बांस को खींचकर पानी से बाहर निकाला। वह बार बार उसे हाथ जोड़कर नमन करने लगा। उसने निश्चय किया वह अपने इस ईश्वर को घर ले जाएगा और प्रतिदिन इसकी पूजा करेगा। वह लंबा और हरा बांस पानी में भीग कर और भी भारी हो गया था। वह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बावजूद उस आदमी ने उसे किसी प्रकार उठाया और सिर पर रख लिया। वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़, घटाएं घिरी हुई, उसकी टांगे जवाब देने लगी, सांस फूलने लगी। वह गिरता पड़ता चला जा रहा था। सामने से आते हुए तथागत ने उस आदमी की दुर्दशा देखी। कुशल तो है यार, तथागत ने पूछा। उस आदमी ने गर्दन घुमाकर देखा, एक चीवरधारी श्रमण, मुंडित केश, सौम्य और शांत मुखमंडल। भंते, मैं भार से बुरी तरह थक गया हूँ, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, उस व्यक्ति ने हांफते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? पतनग्राम। क्या पतनग्राम पास में ही है? नहीं भंते, वो यहाँ से बहुत दूर है। तथागत बांस के भार से दोहरे होते उस आदमी को देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, आर्य, क्या पतनग्राम में बांस नहीं होते? भंते, पतनग्राम तो बांसों से घिरा है, तो क्या यह विशेष किस्म का बांस है? भंते, यह सामान्य किस्म का ही बांस है और हर जगह उपलब्ध है। तथागत थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, आर्य, आप बुरी तरह हांफ रहे हैं, पतनग्राम भी निकट नहीं है, फिर आप इस बोझ को क्यों ढो रहे हैं? भंते, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं वह मेरा ईश्वर है। आप मुझे विस्तार से बताएं कि यह बांस आपका ईश्वर कैसे है? अब आदमी ने आप बीती पूरी कहानी उन्हें सुनाई और अंत में कहा, भंते, जब मैं मृत प्राय हो रहा था तब इसी बांस ने मुझे सहारा देकर मेरे प्राण बचाए थे, अतः यह मेरा ईश्वर है। आर्य, अब तो स्थिति दूसरी है, अब यह बोझ बनकर आपके प्राण ले रहा है। आपका कथन भी सत्य है, किंतु यह भी सत्य है कि मैं इसी के उपकार से जीवित हूं, तथागत ने समझाया। इसने जो कुछ करना था कर चुका, अब यह मात्र बोझ है।
इसे ढोते जाना व्यर्थ है। उस आदमी ने असहमत प्रकट की और बांस को कृतज्ञ भाव से देखा। तथागत ने वहां से प्रस्थान करने से पूर्व कहा, आर्य, विवेक इसी में है कि आप इस बांस को अपने सिर से उतार फेंकें और आराम से घर जाएं। मुझे कृतज्ञ होने के लिए न कहें। भंते, आर्य, जीवन सर्वोपरि है। मैं तो जीवन और आपके हित की बात कर रहा हूँ। यह कहकर तथागत अंधेरे में गायब हो गए। आदमी वहीं खड़ा रहा। कल्पना करो कि उस आदमी ने उस ईश्वर के साथ क्या किया होगा।